भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नगर परिषद CEO एक्शन मोड पर। खात रोड के नागरिकों की समस्या का किया हल। भंडारा शहर के खात रोड में पानी के कारण लोगों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिस दिन से भारी बारिश चालू हुई तब से लोग परेशान हैं। उसी प्रकार भंडारा शहर के खात रोड के कई इलाकों में नाली ना बनने के कारण घरों, रोड और दुकानों में पानी जम जाता था, जिसको लेकर आम नागरिकों ने आंदोलन किया था। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद CEO और आमदार गुंडेकर ने स्वयं बरसात में भीग कर पानी की स्थिति जानी थी कि किस तरह से पानी को जमने से रोका जा सकता है। उसके बाद नगर परिषद CEO ने लोगों से मिलकर पानी को किस तरह से रोका जा सकता है इसकी बैठक लेकर जांच की। आज नगर परिषद CEO ने एक्शन मोड पर आते हुए लोगों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए स्वयं पूरी टीम के साथ बैठक कर आज से खात रोड की जितनी भी नालियां बंद थी उसे खोलकर पानी को सुचारित रूप से शुरू करवाया। खात रोड के जितनी भी जगह की नालियां बंद है उसको JCB द्वारा नगर परिषद की टीम बारिश में ही उन नालियों को सुचारित रूप से शुरू कर रहे हैं। इस विषय को नगर परिषद CEO करण कुमार चौहान ने गंभीरता से लेते हुए नागरिकों का ध्यान रखते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू बरसात में ही कर परेशान लोगों की समस्या का हल किया है। इस कार्य से खात रोड के नागरिकों में नगर परिषद CEO की प्रशंसा की जा रही है। देखिए अभी दो बरसात का माहौल भंडारा शहर में देखा, दोनों बरसात में जो हेवी रेनफॉल जब भी सिटी में होता है तो ज्यादातर रुक्मिणी नगर खात रोड पे पानी जमा हो जाता है। इस बार भी आपने देखा कि नागरिकों ने आंदोलन किया, कि मैं खुद वहाँ गया, डोर टू डोर मैंने विजिट किया, तो उसके बाद कुछ कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचे कि वो पानी की समस्या कैसे कम की जाए। तो वहाँ से जो नेशनल हाईवे जा रहा है उसके दोनों तरफ जो नालियाँ हैं उसके लेफ्ट साइड की नाली ये बुझी हुई थी, उस पर अतिक्रमण हुआ हुआ था और लोगों ने जानबूझ के उसको बंद किया हुआ था। तो आज सुबह से हमने हमारी पूरी टीम लगा के वो नाली क्लियर करना हमने शुरू किया। वो नाली अगर क्लियर हो गई तो लगभग 50% जो वहाँ का पानी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखकर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करने वाले हैं कि जो राइट साइड में जो नाली है उसके बाजू में हम एक कच्ची नाली खोदें। अभी वहाँ से MECB के कुछ पाइप गए हुए हैं, लाइन गई हुई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही, तो MECB के अधिकारियों को साथ में लेके वहाँ से भी हम एक 3.5 फीट की कच्ची नाली खोदने वाले। इस हिसाब से अगर काम हुआ तो एक आशंका है, एक आशा है कि अगली बारिश में कम से कम रुक्मिणी नगर, वैशाली नगर के लोगों के घरों में पानी ना घुसे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी नागरिकों से यही अपील है कि जिन्होंने वो रोड पे नालियों पे अतिक्रमण किया है वो खुद अपना होके निकाल दे, ताकि नगर परिषद जब निकालेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए आपके हिसाब से वो अतिक्रमण हटा लीजिए। We'll be right back.
लगातार जारी बारिश के चलते जिले की प्रमुख सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी है, लेकिन शहर से सटे वैनगंगा नदी के पुल की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की गति कम होकर कई बार जाम लग जाता है। साथ ही गड्ढों से बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बढ़ गई है। पिछले एक पखवाड़े से बारिश जारी है, बारिश से सड़कों का डामर उखड़ कर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। वैनगंगा नदी के पुल पर 1 से 2 फीट चौड़े गड्ढे पड़े हैं। रात के समय बारिश में यह गड्ढे पानी से भर जाते हैं। पुल की लाइटें बंद होने से वाहन चालकों के वाहन गड्ढों में चले जाते हैं। यह समस्या गंभीर है। गड्ढों से रात के समय वाहन उछलकर अनहोनी हो सकती है। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। कार दोपहिया चालकों के लिए सड़क के यह गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। कादा पुलिस थाना अंतर्गत गराडा बुर्ज में चोरी के एक शातिर आरोपी को हिरासत में लिया गया और नागपुर से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई कादा पुलिस ने की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लालगंज गुजरी चौक नागपुर निवासी रामकृष्ण हरेश्वर मोहरले उम्र 63 वर्ष के रूप में हुई है। भंडारा तालुका के गराडा बुर्ज में 18 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे के आसपास गराडा बुर्ज भंडारा निवासी चिंताबाई सुधाकर चावले उम्र 34 वर्ष के घर पर एक अज्ञात चोर ने मौका पाकर घर से सोने के गहने और 7,000 रूपए नगद ऐसे कुल 41,000 रूपए के सामान की चोरी की। घटना की सूचना कादा पुलिस को दी गई। शिकायत के मुताबिक अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 305A, 331(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल, पुलिस उप निरीक्षक किरण अवताड़े, कांस्टेबल संदीप केंद्रे, पुलिस कांस्टेबल प्रदीप जगनाड़े, अमोल वाघ, सोहेल शेख और साइबर सेल भंडारा की मदद से आरोपी रामकृष्ण हरेश्वर मोहल्ले को हिरासत में लिया गया और जांच के दौरान आरोपी के पास से अपराध से अर्जित रकम बरामद की गई। भंडारा जिले में पहली बार शहर में भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में जिले और जिले के बाहर से 85 से 90 भजन मंडलियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में महिला भजन मंडलियों की भागीदारी काफी संख्या में देखने को मिली। इस भजन मंडल प्रतियोगिता में भीमई महिला कला बौद्धिक मंडल भजन महिला मंडल की प्रतिभागियों ने जाति पाति से ऊपर उठकर सामाजिक एकता कायम करने के लिए भाग लिया। श्रावण मास चल रहा है, ऐसे में गांव में लोगों के मनों में भक्ति में माहौल बना हुआ है, इसलिए आधुनिक तकनीक के इस युग में मांग है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। यह भजन प्रतियोगिता जिले में पहली बार आयोजित हो रही है, इसलिए इस प्रतियोगिता की चर्चा हो रही है। मी डॉक्टर सोमदत्त ब्रह्मानंद करंजेकर। मी भंडारा जिल्ह्यातली लाखनी तालुक्यात होऊ घातलेली
अशी भव्य ही भजन स्पर्धा आहे। आपल्याला माहिती आहे की भक्तिरस हे माणसाचं मन शुद्ध ठेवण्याचं काम करतं। आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वेगवेगळ्या गोष्टी तडकलं असतं, पण नामस्मरणाने आपण आपलं मन हृदय शुद्ध ठेवतो आणि असं वातावरण गावागावात निर्माण व्हावं म्हणून हा इथे भजन स्पर्धेचं आपण आयोजन केलं आहे। याच्यात जवळपास 85 मंडळांनी सहभाग घेतला आहे फक्त लखनी तालुक्यामध्ये, आणि या भजन स्पर्धेत मला पारितोषिक पण मिळावं म्हणून त्यांनी अजून जोमातनी प्रॅक्टिस करणं सुरू केलं। गावागावात एक चांगलं वातावरण आहे आणि कलावंतांना ओळख देण्यासाठी हा एक प्लॅटफॉर्म, हा एक स्टेज इथे झाला आहे। मी श्री गुरुदेव घेते अगोदर, आणि माझं नाव पूर्ण अर्चना विष्णू दस्तळवेकर। आमचं भजन मंडळ आहे माऊलीतर्फे, श्री सांप्रदाय माऊली भजन मंडळ हे आमचं भजन मंडळ आहे। हे खूप दूरदूर पण आमचं भजन मंडळ जातात, पण लाखणीत पण आम्ही सुद्धा जसे भजन राहतात तेव्हा आम्ही पूर्ण महिला म्हणजे ह्या भजन मंडळामध्ये ॲक्टिव्ह महिला म्हणजे आम्ही भाग घेत असतो। पण आता जी आम्हाला संधी मिळाली त्याच्यामुळे आम्ही हे संधी महिलांनी सोडलेली नाही आहे। आम्हाला पण अशी इच्छा आहे की आम्हाला पण प्रमाणपत्र मिळावं, आमचा पण काहीतरी कोणता तरी नंबर यावा असं आम्हाला आमच्या गुरुमाऊलीचे चरणी प्रार्थना करते आणि असं आम्हाला वाटते। श्री गुरुदेव। 7 दिनों की बारिश से कई गांव में बाढ़ की स्थिति है, क्योंकि अधिकांश महामारियां दूषित पानी और मच्छर के कारण होती है। बाढ़ की स्थिति के कारण महामारी फैलने की संभावना है, इसलिए जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग ने उपाय शुरू कर दिए हैं। जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुंवर ने इन गाँव में रोकथाम के उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से भंडारा जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश होने और वैनगंगा नदी का स्तर काफी बढ़ जाने के कारण जिला प्रशासन ने कुछ तहसीलों और गांव में सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्क रहने का आह्वान किया है। बरसात के दिनों में महामारी बीमारी फैलने की आशंका रहती है, इसलिए संभावित महामारी को नियंत्रित करने के लिए भंडारा जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सोमकुवर की योजना के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण कक्ष क्रियान्वित किया गया है। भंडारा के तुमसर मुहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के 32 स्थानों पर सामान्य स्वास्थ्य एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुहाड़ी में किया गया। शिविर में लगभग 3000 नागरिकों ने लाभ लिया। शिविर में चश्मे, दवाइयां निःशुल्क वितरित की गयी तथा मरीजों का ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। पुलिस ने भंडारा, करडी, तुमसर, गोबरवाही, लाखनी, लाखांदूर में जुए और शराब के अड्डों पर छापेमारी कर 76,620 रुपए का माल जब्त किया। खोकरला निवासी संजय भिवाजी निपा ने उम्र 45 वर्ष के पास से सट्टा पट्टी सामग्री और 272 रुपए, जुआ खेल रहे कन्हालगांव निवासी संजय दलपत केवट उम्र 32 वर्ष, विलास सुदाम कामले उम्र 58 वर्ष, चंद्रभान हरी सेलोकर उम्र 52 वर्ष के पास से 1200 रुपए, तुमसर निवासी लक्ष्मीकांत विश्वनाथ सारवे उम्र
45 वर्ष से 450 रुपए, बघेड़ा निवासी लाला नथु चौधरी से 245 रुपए, पौनी निवासी अतुल संतप वाघमारे से 230 रुपए, पाहुनगांव निवासी राजू ऋषि अंबिका से 280 रुपए और सट्टापट्टी सामग्री जब्त की गई। शराब विक्रेता अम्बेडकर वार्ड कोंडी निवासी बारनबाई बालकदास सुखदेवे के पास से 500 रुपए की शराब, मांडेसर निवासी नानाजी राजाराम लिल्हारे से 45 लीटर हाथ भट्टी शराब कीमत 6,750 रुपए, मक्का धोखड़ा निवासी साहिल मानिक वासनिक से 7,400 रुपए की शराब, शिंगोरी निवासी नागसेन शिवदास देश प्रताप से 1,000 रुपए की शराब, अम्बेडकर वार्ड तुमसर निवासी वैभव पुरुषोत्तम उके से 1,000 रुपए की शराब, तिलक वार्ड देवाड़ी निवासी अजय शिवलाल बिरनवारे से 750 रुपए की शराब, शिवनीता तहसील रामटेक निवासी राम कुमार शंकर गंजाम से 5,000 रुपए की शराब व बाइक ऐसे 55,000 रुपए का माल, गराडा निवासी अरुण कारुनहाने से 500 रुपए की शराब, अडाल निवासी विशाल प्रेमदास वानखेड़े से 600 रुपए की शराब जब्त की गई। गोंदिया जिल्ह्याच्या अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे विद्यमान आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या पत्नी सौ मंजुषा चंद्रिकापुरे यांचे 68वे जन्मदिनाचे कार्यक्रम सडक अर्जुनी तालुक्यातील ग्राम कोहमारा येथील आमदार कार्यालयाच्या प्रांगणात दिनांक 31 जुलै रोजी दुपारी आयोजित करण्यात आले होते। दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उपस्थित पाहुण्यांचे मनोरंजन करण्यासाठी ऑर्केस्ट्राचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी पत्नीचे वाढदिवसानिमित्त अनेक सुमधुर गीत गाऊन स्वपत्नीला खुश करण्याचा प्रयत्न केला। आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी गायलेल्या गीतांमुळे मंजुषा चंद्रिकापुरे या आनंदाने भारावून गेल्या होत्या। त्याचबरोबर उपस्थित कार्यकर्ते देखील खुश झाले। दरम्यान केक कापून पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। अनेक उपस्थित पाहुणे मंडळींनी पुष्पगुच्छ देऊन मंजुषा चंद्रिकापुरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील हजेरी लावली होती। आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्यासह त्यांचे मोठे सुपुत्र सुगत चंद्रिकापुरे आणि लहान मुलगा विराट चंद्रिकापुरे यांच्या उपस्थितीत केक कापण्यात आले। त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सडक अर्जुनी येथील तालुका अध्यक्ष अविनाश काशीवार, अर्जुनी मोरगाव तालुक्याचे अध्यक्ष लोकपाल गहाने, गोरेगाव तालुका अध्यक्ष केवल बघेले, महिला तालुका अध्यक्ष रंजनी गिरेपुंजे, गोरेगाव येथील महिला तालुका अध्यक्ष बहेकार निशा मस्के, महिला गुट प्रमुख माधुरी पिंपळगावकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। सुखी संसाराचा मंत्र एकच आहे की आपण तत्वाची तडजोड करू नये। खरं आहे ते खऱ्याला खरं समजावं, खोटं आहे त्याला विसरून जावं, आणि जर विसंगती असेल तर त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करा। आणि जसं आमच्या मॅडमनी सांगितलेलं आहे की जीवन काय आहे, इट्स अ वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज। एक जर पुढे गेला तर दुसराही जर पुढेच जाईल तर मागे तरी कोणाला राहावं लागते। आणि त्यामुळे तुम्ही नेहमीच म्हणता नेहमी की संसार यामध्ये दोन चाक असतात, एक पत्नी आणि एक पती असतो। ती चाक जशी चालतील तितका समतोल आपण ठेवू शकतो। मागे पुढे झाली तर बंडी उलारसुद्धा होऊ शकते। तर म्हणून तेच आहे मंत्र की प्रत्येक माणसाने आपल्या जीवनातल्या तंत्राचा वापर केला तर सुखी होणं हे आपल्या हातात आहे। जगामध्ये कुठला दुःखी माणूस आपल्याला दुःखी करू शकत नाही जोपर्यंत आपल्याला वाटत नाही की आपण दुःखी आहोत। माझा हा कार्यक्रम नेहमीच दरवर्षी होतो, फक्त यावेळेला जागा बदलली। तिकडे नागपुरात सगळ्या फॅमिलीबरोबर मी करत होते, आता ही फॅमिली आहे, ह्या फॅमिलीबरोबर मोठी फॅमिली आहे, त्यांच्याबरोबर मी कार्यक्रम केला आहे। मला फार आनंद वाटतो, मला खूप आनंद वाटला की जे हृदयात आम्ही ठेवलं त्यांना ते लोक येऊन भेटले
आणि त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. दुसरे लोक आले त्यांना पण आम्ही हृदयात ठेवलं. म्हणजे हा परिवार तयार झाला, त्या परिवाराला विसरू शकत नाही. अगदी ह्याच्यापेक्षा ते उत्साहित असतात. सकाळ असतात ते गाणं म्हणतात, दुपारी ते जेवण करताना गोष्टी करतात, संध्याकाळी ते जेवणानंतर बरोबर गप्पा मारतात. अगदी आनंदी जीवन जगतो आम्ही दोघं. मी पिढीला एवढंच सांगू शकते, लाईफ लग्न म्हणजे ॲडजस्टमेंट. तुम्ही ॲडजस्ट कराल तितकं तुमचं तो फॅमिली जीवन फार चांगलं जाईल. बघा, माझे मिस्टर बाहेर जातात तेव्हा मी त्यांची जितकी कामं आहे ती घरात करून ठेवते. आल्यानंतर आम्ही म्हणतो तुम्हाला उशीर झाला तर ठीक आहे, आज उशीर झाला, उद्या तुम्ही लवकर या, आणि ते ॲडजस्ट करतातही. भंडारा जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है. बुधवार 31 जुलाई को जिले में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. बुधवार को भंडारा शहर का साप्ताहिक बाजार रहता है, ऐसे में ग्राहकों व दुकानदारों को बारिश के बीच व्यवहार करने पड़े. मौसम विभाग ने अगले दो दिन मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है. बारिश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो फसलों के सड़ने का डर बना रहेगा. 17 जुलाई से जिले में लगातार बारिश हो रही है. भंडारा तहसील समेत जिले के अनेक हिस्सों में बुधवार को रुक रुक कर बारिश हुई. यह बारिश अब फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है. जलाशय, नदी, नाले लबालब हो गए हैं. राजस्व विभाग द्वारा नुकसान का लगातार जायजा लिया जा रहा है. किसानों के खेतों से पानी निकालने में भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. हरित अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में अमृत वृक्ष योजना क्रियान्वित की जा रही है. इसी के तहत कल जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश वंजारी की पहल पर मौजा चकारा में वृक्षारोपण किया गया. अमृत वृक्ष योजना के लिए निःशुल्क पौधे और पौधों की उपलब्धता के लिए वन महोत्सव केंद्र खोला गया है. सामाजिक वन विभाग ने इसमें पहल की है. ये जानकारी अमृत वृक्ष मोबाइल ऐप पर भी दी जा रही है. इस योजना में 7 अगस्त को पूरे जिले में पौधे लगाए जाएंगे. नमस्कार, मी योगेश कुंभेजकर, जिल्हाधिकारी भंडारा. आपल्या सर्वांना आवाहन करत आहे की महाराष्ट्र शासनातर्फे 2024 वनमहोत्सवाअंतर्गत अमृत वृक्ष आपल्या दारी ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. एक पेड माग के नाम या अंतर्गत आपण आपल्या आईच्या नावाने किमान एक तरी वृक्ष या वर्षी लावावा आणि त्याचं संवर्धन करून तो मोठा करावा असं या निमित्ताने आवाहन करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी वनमहोत्सव केंद्र देखील सुरू करण्यात आलेली आहे, जिथे आपल्याला ही रोपं उपलब्ध करून घेता येतील. आणि 31 जुलै आणि 7 ऑगस्ट या दोन दिवशी भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी, अशासकीय संस्थांनी, शासकीय विभागांनी एकत्रित येऊन वृक्ष लागवड करावी असं याचं नियोजन आहे. तर आपण सर्वांनी त्याला साथ द्यावी आणि पर्यावरण संवर्धनामध्ये हातभार लावा अशी सर्वांना विनंती आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की. निष्ठी निवासी रूपेश अरुण बनवाड़े न्यू बस स्टैंड पौनी के पास शराब के नशे में वाहन चलाते समय मिला. साथ काम कर रहे दो युवकों में झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला करने की घटना सनफ्लैग आर्यन कंपनी वर्ठी में घटी. इसमें दोनों ने एक दूसरे को गाली गलौज की और लोहे की रॉड से एक दूसरे को घायल कर दिया. अस्पताल के सामने पार्किंग में रखी बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गया. यह घटना मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा के पास एक निजी अस्पताल के सामने हुई. भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. तिरोडा थाने के तहत हवालदार विनोद चौले अपने साथियों के साथ गश्त पर थे. इसी बीच मोहनलाल चौक तिरोडा में अंधेरे में बैठे संदिग्ध युवक गांधीवाड तिरोडा निवासी उत्कर्ष उर्फ छोटा महेंद्र रामटे के उम्र 20 वर्ष को पकड़ा गया. शिकायत पर तिरोडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शहर थाना अंतर्गत ढाकनी मार्ग पर स्थित नए रेलवे पुल के पास में पुलिस ने 3 आरोपियों को घातक हथियारों के साथ पकड़ा. आरोपियों में श्रीनगर निवासी राहुल भरत जसवानी, कुम्हारे नगर निवासी ललित भावदास चौहान, चौहान चौक निवासी सुजल नितिन बोरकर का समावेश है. अलावा 2 अन्य आरोपी फरार हो गए. उधारी के पैसे लेने के लिए गए दोपहिया सवार को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोपहिया सवार को चोट आई. घटना जुनोना फाटा परिसर में घटित हुई. जख्मी का नाम जुनोना निवासी रोशन भगवान मोहरकर है. पौनी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.
रावणवाड़ी पुलिस ने 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे के दौरान नीलज गिरोला मार्ग पर ट्रैक्टर में लगी बिना नंबर की ट्रॉली में भरकर अवैध रूप से एक ब्रास रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर चालक को पकड़ा। आरोपी चालक का नाम नीलज निवासी पालेंद्र मोहम्मद कुशराम उम्र 35 वर्ष बताया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।